नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव में विश्वसनीयता को लेकर बड़ा सवाल किया है। तेजस्वी यादव ने रिकाउंटिंग की मांग की है। तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें कम से कम 20 सीटों पर जानबूझकर हराया गया है। उन्होंने पोस्टल बैलेट रद्द किए जाने को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग शिक्षित हैं, जो जागरूक हैं, उनके वोट को रद्द किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? जब वोट कैंसिल ही करना था तो पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान क्यों कराया जाता है? रात के 11 बजे से 11 बजे मेरा तो 37,000 का डिफरेंस था, लेकिन जहां कम मार्जिन, जहां जीत रहे थे, वहां पोस्टल बैलेट 900 संख्या में, तो आप कराते क्यों भैया? जब रद्द ही करना है तो पोस्टल पे काउंटिंग मत कर, वोटिंग मत कराइए। अगर पोस्टल का अगर कोई वैल्यू नहीं है, रद्द ही करना है तो वोट क्यों करा? काउंटिंग प्रक्रिया में क्यों जोड़? तो रिकाउंटिंग कराइए। आपके पास तो पूरा दस्तावेज, सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा कौन किसके दबाव में काम कर रहा है, किसके इशारे पर काम कर रहा है। तो ये कई जगह तो सर्टिफिकेट दे करके छीनने का प्रयास किया गया। अब आप बताइए हम सबूत कहां से लाए? ना मोबाइल ले जाने दिया जाता है, मोबाइल ले जाने दिया जाता तो सब पता चल जाता है, ना किसी को प्रवेश दिया करने दिया जाता है। हमको तो छोड़ दी, मीडिया के लोगों को भी प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, और लोग कह रहे हैं कि सबूत ला, कहां से लाए सबूत? तो वहीं से आएगा ना जब आप इसकी रिकॉर्डिंग निकालिएगा, सीसीटीवी की, वीडियोग्राफी की, बैलेट इनवैलिड जो की वो निकाल के दिखाओ ना जनता को, क्या जिनका रद्द किया गया वोट, क्या तो आप वोटर मानते ही नहीं है? अगर रद्द हुआ तो क्या प्रक्रिया है कि वो फिर से पूर्ण मतदान करे? चुनाव आयोग के लिए तो एक एक वोट का महत्व है ना। लोकतंत्र में आप 900 वोट पोस्टल बैलेट का रद्द कर दीजिएगा एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो भी एजुकेटेड जागरूक वोटर्स का जो सर्विस में है, उनके वोट के मान नहीं होगा तो भाई सवाल तो बनता है, क्योंकि ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। लोकतंत्र कैसे बचे? और एक वोट से हार भी होती है, जीत भी होती है, लेकिन आप देख रहे होंगे ना चेहरे का चमक कहां चला गया, तीसरे नंबर पर, अब तक सामने नहीं आया, फिर क्वारंटाइन हो, फिर क्वारंटाइन हो। अरे भैया अंतरात्मा जगाइए, नैतिकता, सिद्धांत, नीति, विचार सब धूमिल आपने कर लिया। अब आपने तो खुद कहा संन्यास लेने की बात, संन्यास लेने का काम कर रहे हैं तो कम से कम आखिरी के क्षण दिनों में काली अपने मुंह पर मत फुतवा करके, काली अपने मुंह पर या जनता का हाय लेकर के अपने राजनीतिक सफर का अंत मत कीजिए नीतीश जी। अंतरात्मा जगाइए। इसलिए हम सब लोगों को लगा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, और मैं पुनः बिहार को धन्यवाद दूंगा, धन्यवाद यात्रा करूंगा, भले ही छल कपट से कुर्सी पे ना बैठ पाए, लेकिन जो लोगों ने अपने दिलों में बैठाया है इसके लिए हम जरूर जनता को धन्यवाद देंगे। और हमारा मानना है महागठबंधन की जीत हुई है, डबल इंजन की हार हुई है, जनता हमारे साथ है, और कुछ प्रकोष्ठ के लोग जो नतीजा फैसला नहीं, जिन्होंने नतीजा सुनाया वो भी तो किसी के दबाव पे काम किया। NBC 24 सच की ताकत।